आसाराम बापू की मौत की गलत खबर के बाद मचा बवाल। आपको बता दें कि दिल्ली और अलीगढ़ पुलिस के लापरवाही के कारण शुक्रवार को आसाराम बापू की मौत की खबर फैल गई। ये सब दिल्ली पुलिस के वेबसाइट zip.net सेवा पर अज्ञात लाश के स्थान पर आसाराम बापू का फोटो अपलोड होने के कारण हो गया था। खबर जब अधिकारियों को लगी तो दिल्ली से अलीगढ़ तक वेबसाइट से उसे हटाने की कवायद शुरू हो गई और SSP ने खुद कंप्यूटर के सामने बैठकर उसे हटवाया। वहीं आसाराम आश्रम के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुनील वानखाड़े ने इसे बापू को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय से आसाराम को देश में बदनाम करने की साजिश चल रही है। हुआ यूं कि पिछले महीने अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र के सर सैयद नगर में एक सिरविहीन लाश मिली थी। इसकी पहचान न होने पर इंस्पेक्टर सिविल लाइन ने उसकी सूचना दिल्ली पुलिस के zip.net सेवा पर महज इसलिए अपलोड करा दी थी कि शायद NCR से कोई वारिस मिल जाए। चूंकि उस लाश की सिर नहीं था, इसलिए फोटो का स्थान खाली छोड़ दिया गया। इधर इसे लेकर दिल्ली में कोई ट्रेनिंग चल रही है, वहां किसी ने फोटो के खाली स्थान पर संत आसाराम बापू का फोटो अपलोड कर दिया। गुरुवार शाम फोटो अपलोड होने की खबर पर शुक्रवार सुबह तक दिल्ली और अलीगढ़ पुलिस में अफरा तफरी मच गई। आखिर में क्या है zip.net? ये दिल्ली पुलिस के गुमशुदा और अज्ञात लाशों के डाटा संबंधी वेबसाइट है, जिसमें मदद के लिए आसपास के जिलों से सभी सूचनाएं डाउनलोड होती हैं। इसके लिए जिलों के DM SSP को पासवर्ड दे रखे हैं, वहीं किसी को अधिकृत कर सूचना डाउनलोड कराते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो UP पुलिस की सेवा है, जिसमें गुमशुदा और अज्ञात लाशों का ब्यौरा UP पुलिस की वेबसाइट पर डाउनलोड होता है। नियम है कि अज्ञात लाश व गुमशुदा का विवरण थाना स्तर से फोटो सहित DCRB भेजा जाएगा, वहां कर्मचारी डाउनलोड करेगा। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना